दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप किसी कारण से गुजरात में फंसे हुए हैं लॉकडाउन के कारण और आप अपने घर जाना चाहते हैं तो आपके लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा। दोस्तों, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके ऊपर क्लिक करके दोस्तों आप इस वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ जब आप आएंगे ऐसा आपके सामने पेज दिखेगा, आपके सामने आपको करना क्या, यहाँ लिखा आएगा गुजरात में फंसे हुए लोग घर जाने के लिए फॉर्म कैसे भरें, यहाँ पर क्लिक करें। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जब क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने ऐसा वेबसाइट ओपन होगी, ये गुजरात की ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है। आप नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन सिटीजन, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ आपके ऊपर डेट ऑफ बर्थ भरना है, अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ भर दीजिएगा। मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ भरूँगा, आप अपने भरिएगा, है ना। 9 नवंबर 1994 आपको यहाँ अपनी भर देना है। डेट ऑफ बर्थ भर देने के बाद दोस्तों को करना क्या है, इस पर लाल जो नीला बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। सिंपल सेट हो गई, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिएगा, नो हो गया सेट, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको कोई मोबाइल नंबर भरना है ना, ध्यान से भरिएगा मोबाइल नंबर आपका। तो मैं अपना मोबाइल नंबर भर देता हूँ, ये मोबाइल नंबर भरा गया। अब दोस्तों नीचे आइए, यहाँ पर लिखा हुआ है ईमेल, आपकी जो ईमेल आईडी उसमें यहाँ पर ईमेल आईडी भर दीजिएगा। मैं अपनी ईमेल आईडी भरूँगा vidishanoDANCDanceAcademy@ आपको यहाँ पे अपनी भरना दोस्तों, ध्यान रखिएगा ना। अब दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड आपको भरना है, अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भरिएगा और कैपिटल नंबर में आपको लिखना है ना दोस्तों, कैपिटल में इस अल्फा में, अल्फा बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। तो आप लिख दीजिएगा, आपको भी पासवर्ड बनाना चाहें वो लिख दीजिएगा। जब मैं अपना पासवर्ड देता हूँ अच्छे से चेक करके, अंकित 1 2 3 4 5 है दोस्तों। अब नीचे आपके लिए जो ऊपर भरा हुआ है वही पासवर्ड आपके नीचे भरना होगा, सेम का सेम वही का वही। ये भर दिया दोस्तों। अब नीचे आइए, आप देखेंगे यहाँ नीचे आपको देखने को मिलेगा इंटर टैक्स। दोस्तों आप देखिए नीचे एक वर्ड लिखा आ रहा है पीले कलर, पीले पट्टी पे नीले कलर से 28CV, आपके लिए जो भी आपका लिखा आ रहा होगा आपके लिए सेम का सेम यहाँ भरना है। तो मैं यहाँ भर देता हूँ। ये भर देने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, आपको सेव पे क्लिक कर देना है, है दोस्तों। अब थोड़ा सा वेट करना है। अब आपका जो भी OTP है दोस्तों, आप देखिए आपका OTP आपके उस पर गया होगा मोबाइल नंबर पे या आपके हैं दोस्तों जीमेल आईडी पे आया होगा। तो अगर आपने जीमेल आईडी पे चेक करके देखिएगा, ये जो मोबाइल नंबर देखिए उसमें लिखा रहा है यू आर ऑलमोस्ट द कम्प्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरव्यू और OTP। दोस्तों फिर नंबर डाला हुआ है उस पर एक OTP गया होगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा आपके लिए सिम में जाकर आपके मोबाइल में, है ना। तो वो देख लीजिएगा, अपने मोबाइल के देख रहा हूँ मैं क्या आया है, मेरे मोबाइल में आ चुका है। तो यहाँ मैं डाल दूँगा दोस्तों OTP डालूँगा 4375। OTP डाल देने के बाद डाल दिया मैंने, आपके पास आपके मोबाइल पर आएगा OTP या आपकी जीमेल आईडी पर आएगा, है ना। आप चेक कर लीजिएगा कहाँ पर आया है। तो अगर आप मोबाइल नंबर देख लीजिएगा तो मोबाइल नंबर मिल जाएगा, SMS आएगा गुजरात गवर्नमेंट का, है दोस्तों। उसको OTP लिखा आएगा, वो डाल दीजिएगा, यहाँ कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिएगा और थोड़ा सा वेट कीजिएगा। लिखा रहा www.gujaratgovernment.co डाटा सेव सक्सेसफुल हो गया दोस्तों, ओके क्लिक कर दीजिएगा। वो कुछ भी नहीं करना, अब हम देखिए आपके सामने ऐसा खुल जाएगा दोस्तों। अब आपको करना क्या है, आप यहाँ पे आपका अगर जो लिंक है मतलब सेक्स जिसको बोलते हैं गेटर, तो अगर आप गर्ल्स हैं तो गर्ल्स पे क्लिक कीजिएगा, मतलब फीमेल पे क्लिक कीजिएगा गर्ल्स हैं तो आप, है ना। अगर बॉयज़ हैं तो मेल पे क्लिक कीजिएगा। आप डाल देते हैं, तो करना क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे एब्सोल्यूट का ऑप्शन दिख रहा है। तो आपका जो इसमें मतलब जो भी आप लिखते हैं, आपके श्री विंडो मिसेस मिस्टर जो भी आप लिखते हैं वो लिख दीजिएगा, मिस्टर कर देंगे यहाँ पर, है ना। तो अब यहाँ पर दोस्तों आप करना क्या है, आपको अपना नाम डालना है, फुल नेम तो डाल दीजिएगा। मेरा नाम अंकित है तो मैं अंकित डालूँगा, अंकित डाल दीजिएगा यहाँ पे, है दोस्तों। आपको अगर मिडिल नेम है तो आप डाल सकते हैं, है ना। ऐसे कि मैं यहाँ पर डाल दूँगा मिडिल नेम भी साहू डाल दूँगा और यहाँ पर भी लास्ट नेम में भी साहू डाल दूँगा। तो आपको भी दोस्तों आपका जो भी सर नेम है मिडिल नेम है वो सब डाल दीजिएगा। ये भर देने के बाद आपको करना क्या दोस्तों, अब देखिए भर दिया है। अब नीचे आइए, डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करना है। आप कहाँ पर हैं गुजरात में, मतलब किस जगह पर, ये पूछ रहा है आपसे वो, है ना। नहीं दोस्तों ये, हाँ बड़ौदा बरसाट, हाँ आप मतलब गुजरात के किस एरिया में, ये पूछ रहा है आपसे। तो आप जहाँ पर भी हैं तो सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे आप गुजरात में हैं, बड़ौदा में हैं, पुणे में हैं, जहाँ भी मतलब जो गुजरात में सूरत में है, तो हमें सूरत डाल दूंगा एग्जांपल के लिए, सूरत डाल दिया है। अब दोस्तों नीचे आएंगे, सिर्फ आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद नीचे एक लिखा हुआ टुक्का, मतलब ये तहसील होती है, तहसील यहाँ पर आपको सूरत में जिस भी तहसील में आप हैं यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आप तहसील लगती है आप उस हिसाब से, है दोस्तों आप डाल दीजिएगा।
तहसील यहाँ पे आप डाल देने के बाद, कोई भी एक डाल दिया मैंने, तो उसमें ना आपको करना क्या, आप विलेज मतलब कि जिस भी आप गांव में हैं तो यहाँ पे वो गांव भरना पड़ेगा आपके लिए। तो आप सिर्फ सिखा रहा हूँ मैं, कुछ भी भर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए बताने के लिए। और यहाँ दोस्तों यहाँ पे आपको एड्रेस भर देना है आपका, है ना, जहाँ पर भी आप एड्रेस है यहाँ एड्रेस भर दीजिएगा। और यहाँ पे आपको दोस्तों फोटो सेलेक्ट करना है, ब्राउज पे क्लिक कीजिएगा। जब ब्राउज पे क्लिक करेंगे फाइल पे आइएगा, की रोड पे आइएगा, ऊपर आइएगा, गैलरी पे क्लिक कीजिएगा, आपके मोबाइल में से आपका फोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर दीजिएगा। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अपलोड हो रहा है, ये हो चुका है साइट अपलोड हो चुका है। अब वो करना क्या दोस्तों, अब आपको कर देना है अपडेट पे क्लिक कर देना है दोस्तों। थोड़ा सा वेट करेंगे, अपडेट पे क्लिक करने के बाद कुछ छूट गया साइट अपना, यहाँ पे देखना पड़ेगा अपन को, अभी कुछ अपना साइट भूल रहे हैं। यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे अपन लिख देते हैं कुछ भी एड्रेस, ये देखिए दोस्तों अब अपन अपडेट पे क्लिक कर देंगे एड्रेस डालने के बाद। तो आप देखिए, देखिए दोस्तों बता देता हूँ आपके लिए ना, ये आएगा पेज आपके लिए। अब दोस्तों ऐसा देखने को मिलेगा है लॉकडाउन, देखो इसमें तीन ऑप्शन आ रहा है, कुछ ध्यान देखिएगा। इसमें लिखा है लॉकडाउन एम्प्लॉय पासपोर्ट विद गुजरात और पासपोर्ट आउटसाइड गुजरात। अगर आप गुजरात के आउटसाइड जाना चाहते हैं तो बीच वाली लाइन पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक कर दिया मैंने, एक मिनट हुआ कि नहीं हुआ क्लिक चेक करना पड़ेगा फिर से। बीच वाली लाइन पर देखें दोस्तों, इस पर लिखा है लॉकडाउन, अगर आप गुजरात के लिए ही चाहिए तो गुजरात पे क्लिक करेंगे, अगर आउटसाइड गुजरात जाना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे। गुजरात फ्रॉम अदर स्टेट मतलब कि गुजरात के अदर स्टेट में आना चाहते हैं तो तीन नंबर क्लिक करेंगे, तो मैं बीच वाले क्लिक करूँगा दोस्तों, अपन गुजरात से बाहर जाना चाहते हैं। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ ऐसा आएगा आपके सामने, आपको करना क्या है, यहाँ पर एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, इंग्लिश पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, नीचे आइएगा। अब दोस्तों यहाँ दीजिएगा, इस पर लिखा आईडी प्रूफ, मतलब आपके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए पड़ेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। तो आप देखिए नीचे आइए, आप यहाँ पर कंटिन्यू टू सर्विस पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों, ना डॉक्यूमेंट पूरा पढ़ लीजिएगा, कंटिन्यू कर दीजिएगा। ये देखो अब दोस्तों आपके सामने ऐसा पेज खुल जाएगा, देखिए ये ऐसा पेज खुलेगा आपके, यहाँ फिर से पूरा अपना नाम भरना पड़ेगा ऊपर अंकित, है ना, ये बोल रहा है डिस्ट्रिक्ट, तो आप गुजरात के जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है आपके लिए यहाँ पे वो डालना पड़ेगा, है ना दोस्तों, जो यहाँ भी आप अभी इस समय है वो डाल दीजिएगा, है ना। ये तहसील तुक्का मतलब जिला, सॉरी जिला है, तहसील जो भी बोलते हैं इसको देख लीजिएगा आप, जहाँ पर भी हो, है ना, वलसाड डिस्ट्रिक्ट में सिटी में ही है। अब एड्रेस में आप जहाँ पर जिस एड्रेस में है वो एड्रेस डाल दीजिएगा, है ना दोस्तों। मैं कुछ भी डाल देता हूँ क्योंकि मेरा कुछ पता नहीं है, क्योंकि वहाँ का नहीं हूँ, मेरा कुछ सबसे कह रहा हूँ, है ना। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालना दोस्तों, ईमेल आईडी भर दीजिएगा आपकी सही सही जो भी है, ये भरने के बाद यानी चाहिएगा दोस्तों। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा मोबाइल नंबर का, तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भर देना है आपका, है दोस्तों, सॉरी ये कहाँ गया, कहाँ चला गया वो, एक मिनट दोस्तों, हाँ ये मोबाइल नंबर भर दिया। मोबाइल नंबर भर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देना डायरेक्शन स्टेट कहाँ जाना है आपके लिए, जैसे मध्य प्रदेश जाना, हरियाणा जाना, पंजाब जाना, सब लिखा हुआ है इसमें, तो मैं मध्य प्रदेश जाना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश पर सेलेक्ट करेंगे अपन दोस्तों, एक मिनट रुक जाइए, मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर देंगे अपन। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्शन और डिस्ट्रिक्ट मतलब मध्य प्रदेश में कहाँ जाना चाहते हो, किस डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पूरे उनके पूरे नाम आएंगे दोस्तों। तो यहाँ मैं मान लीजिए विदेश जाना चाहता हूँ, वीसा भी क्लिक कर दूँगा। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है बाइसिकल डिटेल, बस कार या जो भी आपके पास अगर हो तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो आपके पास कोई नहीं है। अब राउट डिटेल मतलब कि आप दोस्तों से वहाँ जाना ही है कि आना है, इसके बारे में कुछ लिख सकते हैं, हैं दोस्तों। तो अब ये पूछ रहा है रिटर्न, अगर आपको रिटर्न तो नहीं आना मतलब वहाँ जाके वापस तो नहीं आना, तो आप यहाँ पर कर देंगे नो दोस्तों, अपन को सिर्फ जाना ही आना नहीं है ना दोस्तों। ये पूरा भर देने के बाद अच्छे से आपके हिसाब से पूरा भर दीजिएगा और फिर आपको कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा दोस्तों, है ना। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जो भी लोग हमारे चैनल बनाए तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबाइएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जय माता दी।